श्री गणेश आय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर सपने के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सपने में कौवा दिखता है तो दोस्तों, कौवा की बच्चे देखते हैं, कौवा के अंडे देखते हैं, कौवा का घोंसला देखता है, कौवा कां कां करता हुआ देखता है, आपके घर में आता है, आपके जीवन में आता है, या कौवा कहीं खाना खाता है या कुछ हड्डियों को खाता है, मांस को खाता है, कौवा लड़ते हैं, कौवे के झुंड को देखते हैं, तो विशेष करके आज के बारे में हम बात करेंगे। आपके सपने में कई बार कौवा आता होगा तो इसका अर्थ क्या है और क्यों आता है सपने में कौवा? कौवा देखने का अर्थ क्या है दोस्तों? सपनों का मतलब, सपनों के संकेत, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। काकशास्त्री की रचना के अनुसार शुभ और अशुभ संकेत आपके जीवन में क्या हैं? कौवा देखना शुभ है या अशुभ है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कौवा का सपने में देखना शुभ और अशुभ फल के बारे में बात करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा को यमराज का दूत माना गया है, और यमराज का दूत माना गया है जबकि अशुभ होने वाला होता है। अगर इसके बारे में हम बात करें, अलग अलग संकेत हैं, तो भगवान शिव शनिदेव का वाहन भी माना जाता है। तो कौवा अशुभ प्रभाव और शनि ग्रह का पीड़ा व्यक्ति के जीवन में गुजरने पड़ते हैं। तो जीवन में अगर आपके कभी भी सपने में कौवे कई बार देखे होंगे कई व्यक्ति ने, अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, सपने में कौवा देखने का अर्थ क्या है, क्यों आता है कौवा। तो कौवे की अगर कर्कश नकारात्मक ज़्यादा फैलती है, कोद्र आता है, अशांत रहता है मन, तो मधुर संगीत में आत्मीय सुख शांति प्राप्त होने की कोशिश करें। यहाँ पे लड़ाई झगड़े की आवाज़ हो सकती है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, आपको नई नई जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी, आपका यहाँ से बहुत सारे ऐसे सपने के बारे में जान पाएंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम एक सपने के बारे में बात करेंगे। तो कौवा सपने में शनि देव का वाहन माना गया है, तो यमराज का वाहन भी माना गया है। अगर कौवा उड़ता दिखाई दे तो आपको धन संपत्ति लाभ हो सकता है। अगर सपने में कभी कौवा उड़ता हुआ देखता है तो आपको सफलता मिलती है और कौवे को शुभ माना जाता है। लेकिन कौवा हमारे शास्त्र अनुसार बड़ा राम भक्त भी था, और पीछे एक पौराणिक कथा अनुसार अगर सपने में ऐसे नाम से ऋषि हुआ करते थे, भगवान नारायण की कथा सभी को सुनाया करते थे, कथा सुनने एक राम भक्त, दोस्तों अगर व्यक्ति रोज आता था तो भगवान शिव बहुत भक्त थे और लामेश ऋषि भगवान नारायण की कथा सुनते थे। तो व्यक्तिगत जीवन में, वास्तविक रियल में अगर एक कथा के बारे में हम नहीं लगेंगे, आइए पहले शुरू करते हैं कौवा सपने में देखने का अर्थ क्या है। सपने में कौवा देखने का अर्थ क्या है, शुभ और अशुभ संकेत, इसके बारे में आपको क्या फल देता है और क्या फल नहीं देता आपके जीवन में। अगर सपने में कुछ कौवा आपको खाते हुए दिखाई दे तो पूर्व जन्म खुश हो जाएंगे, आपके पितृदेव, अगर कुछ वो कौवा खा रहा है तो आपके जीवन में ये खुशी का संकेत है। सपने में कौवा देखना जीवन में आपके लाभ प्रकार की कई इच्छा पूरी हो सकती है, कई बार हानि भी हो सकती है, कई बार किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है, कई बार आपके पितृ का दोष भी हो सकता है जीवन में, सूर्य ग्रहण दोष, पितृ दोष भी हो सकता है, उसके कारण से कौवा को पितृ का भी माना जाता है। तो अगर कौवा सपने में कुछ खाते हुए देखे तो आपके पूर्वजन पितृदेव खुशी हो जाएंगे। रोटी, अनाज, गेहूं, चावल, फल और फ्रूट आदि खाद्य पदार्थ अगर कौवा सपने में खाते हुए देखे तो ये शुभ संकेत हैं दोस्तों, आपके पितृदेव से प्रसन्नता, खुशी मिलेगी, तो सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी, जीवन की अंत हो जाएगी और आपकी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस कार्य में आपको सफलता, परेशानी सारी अंत हो जाएगी। अगर भगवान कौवा को, अगर भगवान श्री राम का जूठा खाने के लिए पास आता था और भगवान का बाल रूप में कौवा के साथ खेला करते थे, आपने देखा भी होगा, रावण की मूवी देखी होगी, एक बार कौवे के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया तो जिसे भगवान राम जो कि बच्चे के रूप में थे, तो वह कौवा रोने लगा, मन संदेह हो गया। भगवान जी कहते हैं कि सिर्फ इतनी बार बात पर रोने लगा और कौवा उनसे दूर चला जाता है। तो भगवान राम पीछे, कौवे के पीछे पीछे जाने लगते हैं, कौवा समझ जाता है कि ये प्रभु श्री राम हैं। फिर भगवान ने कौवे को दर्शन दिए
और मन की कुछ संदेह थे समाप्त कर दिए, तो उनको संतोष में खुशी मिल गई। तो दोस्तों ये कभी भी ऐसे अगर आपको ये चीज़ फल फूल खाता है या अनाज को खाता है, गेहूँ खाता है, रोटी खाता है, तो ये पारिवारिक जीवन में एक अच्छी संकेत है। सपने में कौ को अगर सपने में कौवा किसी चीज़ को चुराते हुए कभी आपने देखा होगा, तो दोस्तों ये शुभ संकेत ही शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम भगवान के साथ रोटी का टुकड़ा चुरा ले गया था। तो एक सच्चाई को जानकर आपके जीवन में सांसारिक भोग विलास हटकर प्रभु की भक्ति में डूबने का संकेत भी है। तो ये शुभ संकेत हैं। तो अगर आपके लालच जो थी जीवन में वो समाप्त हो जाएगी, अगर सपने में कौआ आपके पीछे जाना, अगर आप सपने में कौए के पीछे जाना, ये इसका मतलब क्या होता है कि सपने में किसी व्यक्ति चुंगल में फंस जाता है, गलत रास्ते में फंस जाता है, बेवकूफ़ बन जाता है, तो उसको कोई उल्लू सीधा बना देता है, तो विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपका धोखा भी हो सकता है अगर कौआ आपके पीछे जाना, कौए के पीछे आप जाना या कौआ आपके पीछे आना, ये तो कुछ ऐसे कार्य धन प्राप्त तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ समस्या भी फंस सकते हैं आप, इसमें सजग रहिए। ऐसा कभी सपना आपने देखा होगा, सपने में कौआ को पानी में पानी पीते हुए देखें, तो दोस्तों यह सपना क्या है, चतुराई से बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो चतुराई होता है और दूसरी कंकड़ डाल देता है कौआ, तो सोचें इसके ऊपर पानी पी लेता है, तो क्या होता है कि ये बुद्धिमान का प्रतीक भी चतुराई का प्रतीक माना जाता है और आप अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे, इसका संकेत भी है। अगर सपने में कौए आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, तो आपको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी, पूर्वजन को मुक्ति मिलेगी। अगर कभी आपने सपने में कौआ को आकाश में उड़ते हुए देखें, तो दोस्तों आपके पूर्वजन जो पितृदेव हैं पितृ हैं वो आपके उनको मुक्ति मिल गई है, तो ये दूर जा रहे हैं, आपसे खुश हो गए और उनकी पूर्वजन की आशीर्वाद आपको मिल रही है, अपार खुशी मिलेगी, धन की वृद्धि होगी, शनिदेव आपको इच्छा लाभ का वरदान प्रदान करेंगे। कौआ उड़ता हुआ देखना ये बहुत शुभ संकेत हैं। अगर ऐसा सपने कभी देखें, सफलता के सूचक हैं और दुश्मन समाप्त हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी आपको सुधार होने वाला है, जीवन में सुख शांति आध्यात्मिक सुख सारी कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों सपने में कौआ एक डरावनी आवाज़ को करती हुई देखें, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, आपकी बुरी खबर मिल भी सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा बचें उस समय। अगर सपने में मरा हुआ कौआ कभी कोई देखता है, तो दोस्तों इसके लिए क्या है, बीमारी की संकेत हैं, आपको योगा ध्यान मेडिटेशन करना होगा। अगर मरा हुआ कौआ कभी आप सपने में देखते हैं, तो ये बहुत ही अशुभ सपना माना गया है। अगर सपने में सिर पर कौआ बैठता है, तो दोस्तों ये क्या होती है कि जीवन में अशुभ संकेत माना गया है, इतना शुभ संकेत नहीं माना गया है। कुछ जीवन में बीमारियाँ घेर लेगी, कुछ समस्या आ जाएगी, आपके जीवन में कुछ ऐसे मुसीबत में फंस जाएंगे, तो सिर के ऊपर आ गया अगर कभी कौआ सपने में बैठता है, तो कुछ परेशानी से तो छुटकारा मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपके जीवन में परेशानी खत्म नहीं होगी, रोग बीमार से घिरे रहेंगे। सपने में अगर व्यापारी को कौआ देखता है, अगर किसी बिजनेसमैन को कौआ देखता है, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, सपने में व्यापारी को कौआ देखे, तो सामान्यतः स्थिति से शुभ संकेत माना गया है, कुछ सुफल की लाभ होंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो कुछ परेशानियां कम हो सकती है, तो कुछ परेशानी बढ़ भी सकती हैं। आप श्राद्ध पक्ष को पितृदेव का स्मरण करें, पितृदेव को तर्पण करें, पितृदेव का पूजन करें, उनके लिए जल अवश्य रखें, उनके नाम पे दक्षिण दिशा में दिया जलाएं, ऐसा करने से आपका जीवन सफल बनेगा। सपनों में कौआ को पीटा देखना, पोटी देखना, सपने में जो कौए की पट्टी है उसको देखना, ये दोस्तों क्या है, पीपल के वृक्ष के बीज खाता देखें, पीपल के वृक्ष को उगते हुए देखें, पूर्वजन का निवास होता है, ये सुबह ही माना गया है। तो दोस्तों अगर शांति आने की संकेत भी है और कुछ कार्य नहीं होंगे, नकारात्मक जो शक्ति थी वो अंत हो जाएगी। सपने में पेड़ पर अगर कौआ बैठता हुआ कोई व्यक्ति देखे, इंसान उसको देखे, तो ये क्या होता है कि इसके हिसाब से जीवन में कुछ सुधारने वाली, कुछ शांति के प्रतीक माने गए हैं, कुछ हानि के भी संकेत माने गए हैं, कुछ दरिद्र के संकेत माने गए हैं। आप श्री राम का नाम लें, भगवान श्री राम को प्रसन्न करने की कोशिश करें, राम राम मंत्र का जप करें, ऐसा करने से आपका जीवन सफल बन जाएगा। सपने में कौआ को पकड़ता हुआ देखना, ये एक शुभ संकेत है, मुसीबत तो आएगी लेकिन आसानी से समाप्ति भी हो जाएगी, लेकिन धन आर्जित कर पाएंगे, जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। सपनों में कौआ आपको देखना, कौआ को देखना दोस्तों ये क्या होती है कि अगर आपको सपने में
सपने में कौआ आपको देख रहा है, अगर सपने में कौआ आपको देख रहा है तो ये क्या है, इसका मतलब आपको धोखे में नहीं कि रखें कि झूठे वादे करना नहीं चाहिए लेकिन सच बोलना चाहिए। कभी कभी आपको मानसिक रूप से चोट पहुंच सकती है, आपके जीवन में ठेस पहुंच सकती है अगर कौआ आपको देखता है। सपने में कौए की काप काप करता सुनाई दे, अगर कौआ बोलता है तो जीवन में एक लक्ष्य को ध्यान से देने की कोशिश करें। मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान, चिंता, भय, डर और त्रास मन में रहेगा। सपने में घर में कौआ आना, दोस्तों ये अच्छा व्यवहार करें, ये अशुभ संकेत हैं। आपके पितृजन का ये मुक्त नहीं होना, उनके लिए आप प्रार्थना करें। कौए को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, श्राद्ध पक्ष में तर्पण करें, ऐसा करने से जीवन सफल हो जाएगा। सपने में कौआ को रोड पार करते हुए देखते हैं तो दोस्तों ये सवारी साधन बहुत ध्यान से चलाएं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, चोटपटक लग सकता है। अगर कभी आपने ऐसा सपना देखा भी होगा तो दोस्तों ये सपने में ये अशुभ सपना ही माना गया है, तो विचार करें, ध्यान दें, वरना आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आ सकती है। सपने में कौ की घर की छत पर देखना, ये क्या होती है कि परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी अगर आपके छत में आके बैठता है तो। आप भगवद गीता सप्ताह अध्याय का पाठ जरूर करें तो जीवन में कुछ छत में आके बैठने से कुछ परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर श्राद्ध पक्ष में कौआ दिखता है तो दोस्तों ये क्या होता है कि आपके पितृ देव खुश हो गए, पूर्वजन खुश हो जाएंगे और 15 दिन तक कौए को भोजन खिलाएं, भोजन दें और आप कुद्र ना करें, उच्च बात ना करें, भगवान श्री राम की कथा सुनाएं, गीता का पाठ करें और पूर्वजन की आप याद करें, तर्पण करें। अगर सपने में कौआ के पंख देखें तो दोस्तों ये पंख मिलना ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ही माना जाता है, आपको धन की वृद्धि होगी। अगर सपने में सफ़ेद कौआ कभी देखे, काला कौआ देखे, ये ऋषि मुनि के श्राप की वजह से कौए के रंग काला हो गया था, तो अगर आपको सफ़ेद कौआ देखे तो बहुत शुभ संकेत हैं, जीवन में सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। सपने में कौए के बच्चे को देखना एक ये अच्छे बुरे संकेत दोनों को जानकारी कराता है, तो दोस्तों ये चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, थोड़ा सा समझने की प्रयास स्वयं करें। सपने में कौआ और बिल्ली को देखते हैं तो ये क्या है कि ये शुभ संकेत माने गए हैं दोस्तों, ये एक हिसाब से देखकर सफलता मिल सकती है, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति की वृद्धि हो सकती है। सपने में कौआ का घोंसला देखना ये भी एक शुभ समाचार है, फिर भी आप एक आशीर्वाद संतान की प्राप्ति हो सकती है, पितृ दोष हो सकता है जीवन में, अगर ये घोंसला देखना आपके जीवन में पितृ दोष हो सकता है, सूर्य ग्रहण का दोष हो सकता है, आप शांति कराने की कोशिश करें, भगवद गीता का पाठ करें, ऐसा करने से आपके जीवन में मुक्ति मिलेगी। सपनों में कौए का घोंसला यदि तोड़ते हुए देखना है दोस्तों, ये एक कौए के घोंसले को तोड़ते हुए कोई व्यक्ति देखता है तो इसके संकेत कैसे हैं, अब इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे ही, आप इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों धीरे धीरे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसे सपने में अगर ये सपना देखता है कि अगर सपनों में कोई भी व्यक्ति हो अगर सपने में कौए के घोंसले देखे तो जीवन में परेशानी आ सकती है, पूर्व जनक का अनजान विश्वास टूट सकता है। कौए को अगर सपने में पानी में भीगते हुए देखना एक ये दुर्घटना की संकेत हैं, और सपने में कौए के साथ देखना, सपने में आपके साथ कौआ देखना एक ये शुभ प्रभाव की सफलता के संकेत भी हैं, अच्छे संकेत माने जाते हैं। सपनों में कौए को चूंच मारना ये संकेत क्या है, दुश्मनी से निकल जाता है तो षडयंत्र रह सकते हैं लेकिन दुश्मन के जाल में फंस सकते हैं। सपने में कौआ आपसे लड़ते हुए देखे तो दोस्तों ये कोई प्रयास ऐसा है कि जीवन में अशुभ माना गया, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं घट सकती हैं, ये विवाद पड़ सकता है या आपके ज्वेल कोड के जारी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अगर सपने में गर्भवती महिलाओं को कौआ दिखाई दे तो दोस्तों ये दीर्घायु बच्चा होगा, जीवन में अच्छा संकेत है, पूर्वजन्म की आशीर्वाद, पूर्व जन्म आपके घर में आशीर्वाद ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती। तो आप श्री रावण का रामबाण का पाठ करें, हनुमान जी का, ऐसे करने से भी शुभ संकेत मिलेंगे। अगर सपने में आधी रात को कौआ देखना दिखाई दे तो ऐसे नकारात्मक विचार भर सकते हैं दोस्तों, यह थोड़ा सा अशुभ संकेत हैं, तबीयत खराब हो सकती है। सपने में कौए के मांस को खाते हुए देखना बहुत चिंताग्रस्त हो सकते हैं, अशुभ संकेत माने गए हैं। तो दोस्तों सपने में कौआ का जोड़ा देखना ये भी एक परेशानी से गुजरना पड़ सकता है, कुछ मुश्किलें बढ़ जाती है,
कौवे को अगर कौवा और कौवी को प्रेम करते हुए देखना एक ये खतरे के संकेत हैं, ये शुभ संकेत नहीं है, ये भी बहुत खतरनाक संकेत माने जाते हैं। सपने में कौवे का झुंड देखना, एक साथ ढेर सारे कौवा देखना, ये भी अशुभ संकेत हैं। जीवन में आप बहुत सारे परेशानी में घिर जाएंगे, पितृ दोष हो सकता है। आप किसी योग्य ज्योतिष की सलाह सुझाव लें, जल्दी जल्दी से अपना कुंडली दिखा लें। और सपनों में कई बार कौवा देखे, बार बार कौवा देखे, आपके जीवन में काल सर्प दोष हो सकता है, मूल नक्षत्र में दोष हो सकते हैं, पितृ दोष हो सकता है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ जाएगी, बहुत सारे। बार बार कौवा देखना ये अशुभ संकेत हैं। सपने में बहुत सारे कौवे देखें तो ये आप बहुत ही समाधानी रहें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे दोष हो सकते हैं। कुंडली में मात्र दोष, पितृ दोष, ऐसे कालसर्प दोष, पितृ दोष, कुल दोष, पितृ, कई दोष होते हैं, झूठे आरोप भी लग सकते हैं, अशुभ समाचार आपको सुनने पड़ सकते हैं, तो ये भी अशुभ माने गया सपने में कौवा का पालना। तो दोस्तों ये क्या है कि सपने में कौवा का पालना शुभ संकेत है, तो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई आएगी, जितनी भी मुसीबतें आएगी, आप उसको पार करेंगे। कौवे को जमीन खोदते हुए देखना, ये क्या हो सकता है कि अगर नौकरी बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होने के संकेत हैं, धन की प्राप्ति के संकेत हैं। अगर सपने में कौवा को मारना, ये तो शुभ संकेत होता है, लेकिन कुछ शक्तियां समाप्त हो जाएगी और कुछ आपको मिलने वाली संकेत हैं, कुछ सुधार होने वाली हैं। सपने में कौवा अगर काटे तो ये दोस्तों कौवे को काटना या झूठ बोले, सोच लो ये जीवन में कुछ बर्बाद होने वाली संकेत हैं, कुछ हानि पहुंचा सकते हैं, कुछ ऐसे नुकसान के योग भी हैं। अगर सपने में कौवा भैंस पर बैठता है तो इसके संकेत अशुभ माने जाते हैं। इसमें भगवान राम की कथा सुने, भगवान का राम का नाम लें। अगर सपने में कौवे को कपड़ा लेकर देखते हैं तो ये क्या है, शुभ संकेत हैं, बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं आप, भविष्य में आपको बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। सपने में कौवा से बात करना, ये क्या है दोस्तों, एक ये संकेत, कौवे से बात करना, राम भगवान के अवतार शिवजी के साथ राम भक्त को माने गए हैं, कुछ मृत्यु का वरदान प्राप्त था तो राम भक्त, तो कुछ अजीब सपने हैं, इसलिए आप हनुमान जी की आराधना करें, ऐसा करने से जीवन में कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों ये थी छोटी मोटी बातें सपने में कौवा देखने के लिए, आपके लिए हमने बताया। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों आप कैसे हैं, तो अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। आप वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज के लिए हम विदा चाहते हैं, जय माता जी जरूर बोलें।